सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट को। सो अभी जस्ट कुछ मिनट पहले प्रीमियर एनर्जीज ने अपने Q2 रिजल्ट ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आज ही ज्वाइन कर लो। सो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने दोस्तों ओपन कर रखा है, सभी फिगर जो है रुपीज इन मिलियन है, बट हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं इनके टोटल इनकम को। अगर कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो 701 करोड़ से ये डबल हो चुका है, 1553 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। बट वही क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो ह्यूज ड्रॉप आप बोल सकते हैं वैल्यूएशन के बेसिस पे। 1668 करोड़ से घटकर 1553 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपने इनकम को। अब इसके अलावा एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो पिछले साल एक्सपेंस था लगभग 631 करोड़ जो कि ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है, 1278 करोड़ है। क्वार्टरली वाइज अगर देखा जाए तो इनकम जैसा ही परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 52 करोड़ 8 मिलियन, यानी कि 80 लाख। इस बार का प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 205 करोड़। क्वार्टरली वाइज अगर देखा जाए तो 198 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 205 करोड़ देखने को मिल रही है। तो भले कंपनी के इनकम में गिरावट है बट प्रॉफिट्स में कंपनी ने जंप दिखाई है। अब इसके अलावा अर्निंग पर शेयर 5.71 है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी जंप है। सो दोस्तों ये था प्रीमियर एनर्जीज का Q2 रिजल्ट।